नमस्कार, मेरा नाम पंकज है। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारे देश में जब भी कोई गरीब या फिर मध्यम वर्गीय व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो इलाज के लिए अक्सर उनकी पहली पसंद एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होता है, क्योंकि एम्स अपनी क्वालिटी और सस्ते इलाज के लिए जाने जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों का इलाज ज़्यादातर लोगों की पहुँच के बाहर होने के कारण हम एम्स के महत्व को समझ सकते हैं, और यहाँ इलाज के साथ साथ एम्स में मेडिकल फील्ड की शिक्षा भी दी जाती है, जिससे यहाँ से पढ़ लिख कर देश का युवा देश विदेशों में कोने कोने में जाकर लोगों का इलाज करते हैं। कुल मिलाकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स हमारे देश के चिकित्सा के क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए यही बता दें कि हमारे भारत में पहला एम्स 1956 में देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृत कुमार के नेतृत्व में बना था। आपको यही बता देते हैं कि 1956 से 2011 तक हमारे देश में बस एक ही एम्स ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहा था, जो कि दिल्ली में स्थित है। हालांकि साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा परियोजना लॉन्च की थी, जिसके तहत देश के हर वर्ग की जनता के लिए सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना था, और साथ ही देश में मेडिकल पढ़ाई की गुणवत्ता को भी बढ़ाना था। इसके लिए अटल जी ने 6 और नए एम्स बनाने का लक्ष्य रखा था, और ये एम्स फेज 1 के अंतर्गत बनके तैयार होने थे, जिनमें शामिल थे भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश एम्स। यही एम्स 2012 तक बनके तैयार हुए और पब्लिक के लिए ओपन किए गए। इस प्रकार भारत में एम्स की संख्या 7 हो गई और आज ये 7 एम्स पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। इसके बाद 2013 में एम्स परियोजना का फेज 2 और फेज 3 लॉन्च किया गया, जिसमें फेज 2 के अंतर्गत रायबरेली उत्तर प्रदेश में एक एम्स बनाने की योजना बनाई गई और उस पर काम भी शुरू किया गया, लेकिन फेज 3 के अंदर किसी भी एम्स की नींव नहीं रखी गई। चूंकि ये आप और हम बड़े अच्छे से समझते हैं कि इतने बड़े भारत में कुल 7 या 8 एम्स कुछ मायने नहीं रखते, इसलिए 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आते ही देश में कई और नए एम्स खोलने के लिए मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गईं। पीएम मोदी का ये मिशन है कि देश में हर राज्य में एक एम्स स्थापित करना ही होगा, और इसी के चलते मोदी सरकार देश में नए 22 एम्स बनाने पर जोर दे रही है, और ये सारे एम्स अलग अलग फेजेस में बनके तैयार होंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह एम्स फेज 4 से लेकर फेज 8 के अंतर्गत बनके तैयार होंगे। इनमें से कुछ नए एम्स पर काम फुल स्पीड में जारी है और तय समय सीमा पर देश को नए एम्स की सौगात मिल जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर जो नए एम्स सरकार द्वारा बनाए जाएंगे उनका पूरा काम इसी साल अक्टूबर तक कंप्लीट होना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि यह एम्स किन किन राज्यों में बनके तैयार हो रहे हैं और यह कब तक बनके तैयार होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 4 के अंतर्गत आने वाले एम्स की। आपको बता दें कि फेज 4 के अंतर्गत हमारे देश में 4 नए बड़े एम्स बनके तैयार हो रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है एम्स नागपुर। नागपुर का यह एम्स 150 एकड़ की जमीन पर बनके तैयार हो रहा है, और ऐसी पूरी उम्मीद है कि यह एम्स लगभग अक्टूबर 2021 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि इस एम्स का कार्य 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण का कार्य लगभग 97% तक कंप्लीट हो चुका है, वहीं दूसरे चरण का कार्य लगभग 72% तक कंप्लीट हुआ है। बात करें इस पूरे एम्स में आने वाली लागत की, तो इस पूरे एम्स पर लगभग 1577 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर नागपुर का यह एम्स सरकार के तय समय अनुसार ही बनके तैयार हो रहा है। फेज 4 के अंतर्गत दूसरा एम्स आता है, वो है कल्याणी एम्स। यह एम्स पश्चिम बंगाल में बनके तैयार हो रहा है और इस पर काम भी जारी है, लेकिन यह काम बेहद ही धीमा चल रहा है। वैसे तो इसको पूरा करने का लक्ष्य 2021 तक रखा गया था, लेकिन काम को देखते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि 2021 तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। बात करें इसके रिसेंट स्टेटस की, तो अभी तक इसके पहले चरण का कार्य लगभग 80% तक कंप्लीट हुआ है, और वहीं दूसरा चरण लगभग 61% तक कंप्लीट हुआ है। इसके काम में देरी की सबसे बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल सरकार, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र सरकार का इसमें साथ नहीं दे रही है, क्योंकि जहां पर यह एम्स बनाया जा रहा है वहां पर राज्य सरकार द्वारा छोटे छोटे कार्यों में विलंब किया गया, जैसे भूमि अधिग्रहण का काम, और यह एम्स जहां पर बनना है वहां से बिजली के तारों को न हटाना आदि की वजह से इसके निर्माण में देरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा कल्याणी एम्स लगभग 1754 करोड़ रुपए से बनकर तैयार होगा, और अब ऐसी पूरी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसमें इंटरेस्ट दिखाएगी और इस पूरे एम्स को जल्द से जल्द बनाकर तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं फेज 4 के अंदर आने वाले तीसरे एम्स की। फेज 4 के अंदर जो तीसरा एम्स आता है वो है मंगलागिरी एम्स। मंगलागिरी एम्स साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश में बनके तैयार हो रहा है, इसमें तेजी से काम चालू है और जल्दी यह बनके तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि यह एम्स भी 2 चरणों में बनके तैयार हो रहा है। इसके पहले चरण का लगभग 92% तक काम कंप्लीट हो चुका है, वहीं अगर हम बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण का कार्य लगभग 60% तक कंप्लीट हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए यही बता देते हैं कि इस पूरे एम्स का बजट लगभग 1618 करोड़ रुपए रखा गया है। अब बात करते हैं फेज 4 के अंदर आने वाले चौथे और आखिरी एम्स की। फेज 4 के अंदर जो चौथा और आखिरी एम्स आता है वो है गोरखपुर एम्स, जो कि उत्तर प्रदेश में बनके तैयार हो रहा है। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एम्स का वर्चुअल अंदाज में उद्घाटन किया था। अभी तक इस पूरे गोरखपुर एम्स का कार्य लगभग 86% तक कंप्लीट हो चुका है। इस एम्स के बाद अब गोरखपुर के आसपास के मरीजों को तुरंत लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनका इलाज इसी एम्स में हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे एम्स का बजट लगभग 1011 करोड़ रुपए रखा गया था। अब हम बात करते हैं पांचवें फेज के अंतर्गत बनने वाले एम्स की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पांचवें फेज में कुल 7 नए एम्स हमारे देश में बनाकर तैयार किए जा रहे हैं।
इसमें पहले नंबर पर जो एम्स आता है वो है एम्स बठिंडा। पंजाब के बठिंडा में स्थापित किए जा रहे इस एम्स का कार्य लगभग 70% तक कंप्लीट हो चुका है। अभी भी इसमें काम चालू है और जल्दी इसको पूरा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एम्स लगभग 925 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार हो रहा है। वहीं पांचवें फेज में जो दूसरा एम्स बनके तैयार हो रहा है वो असम के गुवाहाटी में बनके तैयार हो रहा है। इसका निर्माण कार्य ईपीसी मोड के तहत किया जा रहा है और अभी तक इसमें लगभग 30% तक काम कंप्लीट हो चुका है। बात करें इसमें आने वाली लागत की तो इसमें जो अनुमानित लागत बताई जा रही है वो लगभग 1123 करोड़ रुपए की होगी। पांचवें फेज का जो तीसरा एम्स है वो है मदुरई एम्स, जो कि तमिलनाडु में बनके तैयार हो रहा है। इसको लेकर जमीन पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसके क्लियरेंस कॉन्ट्रैक्ट और भूमि अधिग्रहण पर काम चल रहा है। मतलब साफ है कि जल्दी इस मदुरई एम्स पर भी जमीन पर काम शुरू हो जाएगा। बात करें इसकी अनुमानित लागत की तो आपको बता दें है पूरा एम्स लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार होगा। पांचवें फेज का जो चौथा एम्स है वो है एम्स बिलासपुर। यह एम्स हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में बनके तैयार हो रहा है। इसका कार्य प्रगति पर है, लेकिन पिछले 2 साल से इसमें काफी धीमा काम चल रहा है और वैसे यह 2021 तक बनके तैयार होना था, लेकिन काम को देखते हुए शायद इसमें अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है। और काम में देरी की असली वजह है पर्यावरण संस्था के नियम, क्योंकि जिस जगह पर बिलासपुर एम्स के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन दी गई है वहां पर काफी पेड़ हैं और पर्यावरण नियमों के चलते पेड़ों की कटान पर प्रतिबंध लगा हुआ है और इसी वजह से यहां पर देरी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिलासपुर का यह एम्स लगभग 1471 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार होगा। पांचवें फेज का जो पांचवा एम्स है वो है दरभंगा एम्स, जो कि बिहार राज्य में बनके तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इसको बनाने का अप्रूवल कैबिनेट ने 2020 में दिया था। अभी इस पर कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ, बस इसकी लोकेशन फाइनलाइज हुई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द इस पर जमीन पर काम शुरू होगा। बात करें इसकी अनुमानित लागत की तो आपको बता दें बिहार का यह एम्स लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार होगा। पांचवें फेज में छठवें नंबर पर जो एम्स आता है वो है एम्स सांबा, जो केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू में बनके तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इसको बनाने का अप्रूवल 2019 में ही मिल गया था और इस पर जमीन पर काम चालू है। बात करें इसकी लागत की तो आपको बता दें इसमें अनुमानित लागत लगभग 1661 करोड़ रुपए की आएगी। पांचवें फेज में छठवें नंबर पर जो एम्स आता है वो है अवंतीपुरा एम्स, जो कश्मीर में बनके तैयार हो रहा है और जम्मू कश्मीर राज्य का यह दूसरा एम्स होगा। इसका मास्टर प्लान पूरी तरह तैयार है और जल्दी इस पर जमीन पर काम शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि इसमें जो लागत आएगी वो लगभग 1828 करोड़ रुपए की आएगी। बात करें फेज 6 की तो फेज 6 में 2 नए एम्स बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें पहला एम्स देवघर झारखंड में बनाकर तैयार किया जा रहा है और अभी तक इसका लगभग 15% तक काम कंप्लीट हो चुका है और झारखंड के इस एम्स में लगभग 1103 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा फेज 6 के अंदर जो दूसरा एम्स बनाकर तैयार होगा वह गुजरात के राजकोट में बनेगा। राजकोट के इस एम्स पर अभी मास्टर प्लान पर काम चल रहा है और यह एम्स लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार होगा। अब बात करें सातवें फेज की तो सातवें फेज के अंदर एक एम्स बनके तैयार होगा, जो कि बीबी नगर तेलंगाना में बनके तैयार किया जाएगा और इसमें अनुमानित लागत जो आएगी वो लगभग 1100 करोड़ रुपए की आएगी। अगर हम बात करें आठवें फेज की तो आठवें फेज में एक और नया एम्स बना के तैयार किया जाएगा, जो कि हरियाणा के मनेठी में बनके तैयार होगा और इसमें अनुमानित लागत लगभग 1300 करोड़ रुपए की आएगी। सातवें और आठवें फेज के अंतर्गत बनने वाले एम्स का कार्य जमीन पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब भी इसके जमीन पर काम शुरू होगा तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत करा दूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।